भावलपुर से 100 किलोमीटर दूर तहसील अहमदाबाद में वाकया किला द्रावड़ को सहराए चोलिस्तान में सफ़र करने वाले मीलों दूर से देख सकते हैं। इसकी बैरूनी दीवार 1500 मीटर लंबी और 30 मीटर ऊंची है। ये किला भाटी कलां के हुक्मरान राय जज्जा भाटी ने 9वीं सदी ईस्वी में रावल दुराज भाटी की याद में बनवाया। ये किला शुरू में डेरा रावल के तौर पर जाना जाता था और बाद में द्रावर और वक़्त गुजरने के साथ साथ मौजूदा दौर में इसे द्रावड़ कहा जाने लगा। 18वीं सदी में किला शाहवार कबीले के कब्ज़े में चला गया। बाद में आवासी हुक्मरानों ने इस किले की तज़ईन और आरइश की। ये किला अपने वक़्त की उम्दा तामीर का शाहकार था और इसकी इमारत इसके वासियों की अजमत और शान शौकत का मुँह बोलता सबूत। इस वक्त इस किला की हालत ज़ार खंडरात से कम नहीं। गुज़श्ता दिनों हमारे नुमाइंदे गौहर वडानी ने इस किले की इमारत को खंडरात की सूरत धारे अपने कैमरे की आँख में महफूज किया। इस किला की सियाहत के वक़्त उनका कहना था कि जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बहावलपुर में और यहाँ पर एक तारीखी मकाम है किला द्रावड़। किला द्रावड़ में जब हम यहाँ पर आए और हमें एक तरफ तो ये खुशी हुई कि किला द्रावड़ जो है हमारा तारीखी विरसा है और ये पाकिस्तान में मौजूद है। इमरान खान साहब एक तरफ तो जो टूरिज्म का उनका विज़न उनका बहुत अच्छा है, मगर उस पर हमें काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक तारीखी मकाम है, इस पर भी काम करना अभी बाकी है। बाकी तो क्या, यहाँ पर काम शुरू भी नहीं किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि बहावलपुर के ज़िले पर भी तवज्जो दे और यहाँ इस किला द्रावड़ को जो कि एक तारीखी विरसा है हमारा, इसके मेंटेनेंस पर भी काम किया जाए। यहाँ पर जब हम आए तो एक तो हमें यहाँ पर सहूलियात नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि सहूलियात होना तो दूर की बात, यहाँ पर आप देखें लोगों के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं है कि जो इतनी शदीद गर्मी में लोग यहाँ पर आए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, यहाँ पानी तक उन्हें मुयसर नहीं है। यहाँ मतलब कम्युनल वॉशरूम नहीं है, यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, यहाँ पर पार्क नहीं बनाए गए, जो कि अगर बनाए जाते तो बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने आ सकते थे। जी, गौहर वडानी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत अगर सियाहत को फ़रोग देने का इरादा रखती है तो इन इलाकों में मौजूद तारीखी इमारतों पर खसूसी तवज्जो दे, ताकि सियाहत के लिए आने वाले लोग इस खित्ते की तारीखी सकाफत और सदियों पुरानी तहजीब का बेहतर मुशाहदा कर सकें। एक पाकिस्तानी सियाह ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर विजिट करने आए हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आज यहाँ आकर क्या महसूस किया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रिजवान अकबर। अच्छा रिजवान भाई, ये बताएं कि आप यहाँ किला द्रावड़ पे आए और क्या महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर, स्पेशली इंतजाम के हवाले से भी बताएं। जी वही मैं बता रहा था कि जहाँ पे चाइना और चाइना समेत पूरी दुनिया में जो टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और उस्मान बुज़दार साहब से यही गुजारिश है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दें और खान साहब का जो विजन है कि यहाँ पे जितने भी तारीखी मकामात हैं उसके उनके ज़रिए हम यहाँ पे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो यही मेरा पैगाम रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि रिजवान अकबर खोसा जो कि डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार जो कि सीएम पंजाब हैं, उन्हें ये मैसेज दिया है कि इस किला द्रावड़ पे भी काम करना बाकी है, काम किया जाए, ताकि ये आप मेरे बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं इसकी जो हालत ज़ार है, ये खुद सवालिया निशान है। एक तरफ तो ये कारीगरी का शाहकार था, दूसरी जानब इसकी जो हालत हो गई है वो काबिल रहम है। तो हमारी भी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है पंजाब हुकूमत से कि ज़िला बहावलपुर में ये जो किला द्रावड़ है इस पर स्पेशली तवज्जो दें और इसके मेंटेनेंस पे काम करें और यहाँ पर आने वाले विजिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सहूलियात जो अवेलेबल हो सकती हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चाहिए कि सियाहत को फ़रोग देने के लिए इन तारीखी इमारतों की देखभाल पर खसूसी तवज्जो दे। इस किला का दाखिली दरवाज़ा आज भी खस्ता हाली के बावजूद अपने अंदर सदियों की तारीख को बयान करता नज़र आता है और इस किले की बुलंदोबाला फसील भी अपने अंदर की कहानी छुपाए खड़ी है, मगर इस इमारत की अंदरूनी हालत खंडरात का मंजर पेश कर रही है और टूटी फूटी दीवारें, बिखरी ईंटें, धूल में अटी गुलाम गर्दिशें हालत ज़ार से आंसू बहाती नज़र आती हैं। हकूमत वक़्त को चाहिए कि इस कदीम तारीखी विरसे को ख़त्म होने से बचाया जाए और इसकी बहाली के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएँ। देखते रहिए लाहौर 24 न्यूज़ और ऐसी मज़ीद मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन पुश करना मत भूलिएगा।